हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। फिर से आपका एक बार मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस का, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो बहुत आराम से समझिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है और इसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच पेपर में पूछा भी जाता है। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो फिर से सेंटेंस के वीडियो को मैं रिवाइज करता हूँ और यहाँ पे आपको दो मिनट एक मिनट में बताता हूँ। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आदेश, सलाह, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, सजेस्ट, सजेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे सेंटेंस, कमांड, ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप भी कमेंट करिए और मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के एक बिल्कुल प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से वीडियोस बनाता रहूँ और जिससे आपको प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक वे से नॉलेज हो सके और इन सब्जेक्ट के नॉलेज की बेस पर आप अपने करियर को एक अच्छी उड़ान दे सकें। आइए बात करते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का जब भी आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए। रूल वही पुराना है, सेड और सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड और सेड टू को। याद रखिएगा, सेड और सेड टू को यहाँ भाव के अनुसार चेंज करते हैं, भाव के अनुसार। तो भाव के अनुसार क्या किस में चेंज करेंगे, जैसा सेंस होगा सेंटेंस का, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस। मान लीजिए कि सेंस है सेंटेंस का रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे सेड और सेड टू को। अगर सेंस है सजेस्ट तो सजेस्टेड में बदलेंगे, और अगर सेंस है मान लीजिए ऑर्डर का तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे ऑर्डर्ड, और अगर सेंस है एडवाइस का तो एडवाइज्ड में बदलेंगे एडवाइज्ड। और इस तरीके से मतलब जैसा सेंस होगा उसी सेंस में हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। ये तो बेसिक बात हो गई। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा कर यहाँ पर टू लगता है, टी ओ टू, ठीक है। और फिर से वही बात है कि प्रोनाउन, टेंस और नियरनेस वर्ड पहले की तरह बदलते हैं। प्रोनाउन, टेंस और नियरनेस वर्ड एंड नियरनेस वर्ड विल बी चेंज्ड एज पर प्रीवियस रूल, ठीक है दोस्तों। तो मतलब पुराने, जैसे जो पुराना आपका रूल था उसी के अकॉर्डिंग या असर्टिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस समझते हैं, जैसे कि द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो देयर। तो आपने देखा अंदर वाली बात जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, फुल स्टॉप पर एंड है, इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे आप समझ गए अंदर की इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का रूल लगाएंगे और सेड और सेड टू को भाव के अनुसार चेंज करेंगे। अब ये कौन सा भाव आ रहा है, ऑर्डर का आ रहा है ना, कि वहाँ जाओ, टीचर ने कहा वहाँ जाओ, ऑर्डर की बात हो गई, ऑर्डर दे रहे हैं। तो जैसे द टीचर ऑर्डर्ड, तुरंत लिखेंगे सेड और सेड टू को बदल के ऑर्डर्ड। और यहाँ पर हमने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाते हैं, तो टू लगाएंगे ऑर्डर्ड टू और गो देयर, बस हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी योर पेन। तो रवि, ये देखिए अंदर प्लीज आ गया है, तो रिक्वेस्ट का भाव है, यहाँ रिक्वेस्टेड लगाएंगे, रवि रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हट जाएगा, जैसे रिक्वेस्ट लगाएंगे प्लीज को हटा देंगे टू। फिर यहाँ से लिखेंगे वाक्य, टू गिव मी बदलेगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन रवि है इसलिए यहाँ पर हिम आएगा, टू गिव हिम, और योर बदलेगा सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो मी है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और यू या योर को हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, हमने आपको रूल में बताया था,
तो ऑब्जेक्ट ना दिया होने पर ऑब्जेक्ट आप अपनी तरफ से मान सकते हैं। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि रवि किससे ये कह सकता है, किसी एक व्यक्ति से कह सकता है, तो रवि सेड टू हर होगा या रवि सेड टू हिम, तो ऑब्जेक्ट या तो हर मानेंगे या हिम मानेंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए कि हर मान लिया किसी लड़की से बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, योर बदलेगा हर में, हर पेन और फुल स्टॉप। इस तरीके से आप इम्परेटिव सेंटेंस का ये सेंटेंसेस बनाएंगे इन दैट स्पीच। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इम्परेटिव सेंटेंस में और भी थोड़ी सी बात है, उसको भी देख लीजिए, रफ करते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस में एक लेट वाले सेंटेंस आते हैं और उसके बाद लेटेस्ट वाले आते हैं, तो याद रखिएगा। अब लेट वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अगर लेट आया है, लेट मी आया है, लेट हर आया है, लेट हिम है, लेट यू है, कुछ भी लेट के साथ आ जाएगा, तो इतने सेंटेंस अगर आते हैं तो लेट को ज्यों का त्यों बना रहने देते हैं। इंडायरेक्ट बनाते समय लेट को ज्यों का त्यों बना रहने देते हैं। सेंटेंस या इनडायरेक्ट स्पीच प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मतलब यहां पर कोई विशेष चेंज नहीं करते हैं, जैसे रागिनी सेड टू हर बॉस, रागिनी सेड टू हर बॉस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो होम नाउ, तो रागिनी अपने बॉस से रिक्वेस्ट ही करेगी, सेंस आएगा रिक्वेस्ट का, तो रागिनी रिक्वेस्टेड हर बॉस कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाएंगे, जैसा कि आपने बताया था इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है, कंजक्शन टू लगेगा, लेट का लेट रहेगा, लेट में कोई चेंज नहीं होगा, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पहले के अकॉर्डिंग ही जैसे चेंज करते थे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रागिनी तो रागिनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी है तो यहाँ पे हर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव है तो हर आएगा, तो लेट हर गो होम नाउ का क्या होगा, देन होगा। ये था हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का लेट वाले सेंटेंस, चाहे वो लेट आ जाए, लेट मी आ जाए, लेट हर आ जाए, कोई भी लेट आ जाए उसे ऐसे ही ट्रीट करेंगे। देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट वाले सेंटेंस। लेटेस्ट वाले सेंटेंस तो लेटेस्ट वाले सेंटेंस में क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, लेकिन लेटेस्ट वाले सेंटेंस भी इंपरेटिव होते हैं, बट रूल चेंज हो जाता है। देखिए रूल क्या होता है, यहां पर सेड और सेड टू को आप सजेस्टेड में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, सजेस्टेड में, लेकिन कभी कभी आप अगर डिफरेंट तरीके से बदलना चाहें तो दूसरा रूल भी लगा सकते हैं, इसलिए और लिख दिया, सेड को आप प्रपोज्ड में बदल सकते हैं, लेकिन अगर सेड टू है तो सेड टू को आप प्रपोज्ड टू में बदलेंगे। मतलब क्या कि अगर आपको सेड और सेड टू को एक ही वर्ड याद रखना है तो सजेस्टेड में बदल दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो सेट को प्रपोज्ड में, सेट टू को प्रपोज्ड टू में भी आप यहाँ पे बदल सकते हैं लेटेस्ट वाले वाक्य में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ दैट लगता है,
लेटस को हटा देते हैं, लेटस को रिमूव कर देते हैं आप, लेटस को हटा देते हैं, लेटस के स्थान पर वी शुड लगाते हैं, लेटस के स्थान पर क्या लगाते हैं, वी शुड लगाते हैं। एंड रिमेनिंग चेंज एज पर प्रीवियस रूल, बाकी का जो परिवर्तन है वो पहले के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस एंजॉय द पार्टी दिस पार्टी। तो दे सजेस्टेड अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगेगा, लेट अस को हटा देते हैं, लेट अस की जगह पर वी शुड लगाते हैं, वी शुड enjoy that party, we should enjoy this का that हो जाएगा that party। और इस तरीके से हम लोग latest वाले sentence को deal करते हैं। Notes maintain करिए, अपने screenshot लीजिए और कोई problem है तो comment box में लिखिए। तो दोस्तों hope that कि आपको ये भी video अच्छे से समझ में आया होगा और आप imperative sentence का भी directed that बनाने में समर्थ हो चुके हैं। अब आप इंपरेटिव सेंटेंस अच्छे से बना सकते हैं। एक्सरसाइज जरूर करिएगा, एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंस। थैंक यू वेरी मच।